तो हम लोग आज क्या सीखेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इमेज फॉर्मेशन इन ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। दिस इज वीडियो लेक्चर नंबर 4 एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 टू पार्ट 3 बिफोर वॉचिंग पार्ट 4। सो वेलकम टुडे and let us start this lecture today that how image will form in concave in concavity. So let us first discuss image formation in concave mirror. So concave mirror में image formation पिछले क्लास में जो हमने बताया था कि तीन पॉइंट्स तीन रूल में तीन में से कोई दो ले सकते हैं। क्या क्या तीन है पैरामीटर्स? वन पैरामीटर इज एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ इट्स इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then it will pass or seems to pass, appear to pass through focus, right? Second, if any incident ray incident normally to the mirror, that is normally to the mirror means it will pass through incident ray pass through center of curvature, then it will return back on the same along the same path. ठीक है? And third, if incident ray incident through focus, it will be parallel to principal axis after reflection. तो ये तीन बातों में से दो बातें कोई भी ले सकते हैं as per convenience. तो image formation की बात करते हैं. इमेज फॉर्मेशन इन कंकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं और कंकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा इस पे चर्चा होगी। ठीक है, तो कई सारे केसेस बनेंगे। एक व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट बहुत दूर और वहां से इमेज बनाना है तो केस फर्स्ट लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट? तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा और ये हम कोशिश करते हैं समझने की। तो पहला केस ये हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट? ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो ये अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट राइट हियर व्हेन इसको मिटा देता हूं बाद में करूंगा। ठीक है, अभी करते हैं। केस फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिटी। इनफिनिटी का मतलब हुआ कि इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है मतलब बहुत दूर है और बहुत दूर है जिसकी डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर कोई चीज है, ठीक है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर कोई चीज है और उसमें वहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई है, मान लीजिए इस तरह का है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये मिरर है हमारा और यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है इनफाइनाइट से, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है और यहाँ पे हमारा ये बड़ा सा एपर्चर होगा, तो इधर कहीं होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी रेज आती हैं उन सब का इंसिडेंट होने के बाद, उन सारी रेज का इंसिडेंट होने के बाद फोकस पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? फोकस पर मिलेगा। तो इंसिडेंट होने के बाद ये सारी की सारी रेज
कहाँ मिलती हैं? तो फोकस पर मिलती है, फोकस पर कन्वर्ज होती है ना। तो ऐसे ही अगर और रे ले लें हम, कि यहाँ से कुछ और रे ले लिया जाए, ये देखिए ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी, और ये भी क्या होगा कि कन्वर्ज होने के बाद ये सारा का सारा कहाँ पे मिलेगा? फोकस पे मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से लगभग लगभग फोकस पे ये मिल जाते हैं, फोकस पर ही मिलते हैं। बहुत छोटा इमेज बनेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं ये जो इमेज बन रहा है यहाँ पे, ये फोकस पर ही बन रहा है और थोड़ा सा नीचे है, तो फोकस पर इमेज बनेगा। और इमेज कैसा बनेगा? तो इमेज डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है ना, बहुत छोटा बनेगा। ये रे ऑफ लाइट जो है ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे मिल रही है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सब आकर के यहाँ पे मिल रही है। तो इमेज बनेगा कैसा? फोकस पर। इसमें आप देख पाएंगे कि हमने रे ऑफ लाइट लिया जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और यह है दोनों रे ऑफ लाइट चूंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों फोकस पर मिलेंगे, और फोकस पे वास्तव में मिलते हैं। इसलिए इमेज की प्रकृति कैसी होगी? ये रियल इमेज होगा। इमेज कैसा होगा? रियल। दूसरी चीज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है और यहाँ ये जस्ट छोटा सा बन रहा है नीचे की ओर, तो इसको हम कहेंगे, ये बहुत छोटा को आप फिजिक्स की भाषा में कहते हैं वेरी स्मॉल को डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड बहुत छोटा को हम कहते हैं डिमिनिस्ड। तो एक तो ये बना डिमिनिस्ड बना, और कैसा बन रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये उल्टा बन रहा है, ऊपर से एरो नीचे आ रही है ऑब्जेक्ट की, तो इसको हम कहेंगे फिजिक्स के टर्म्स में इनवर्टेड, इनवर्टेड बन रहा है। अच्छा, बन कहाँ रहा है? तो एट फोकस। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसके बारे में आप जान सकते हैं। और व्हेन इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे होगा और उसके मुकाबले जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा जो नजदीक होगा, और यहाँ पर इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा? तो ये बनेगा रियल, रियल डिमिनिस्ड इन्वर्टेड एंड फोकस पर बनेगा। एट फोकस कहाँ बन रहा है? तो एट फोकस। तो ये एक चीज हो गया। अब इन्फिनिटी के बाद दूसरा केस होगा कि सी के जस्ट पीछे हो कहीं, तो क्या होगा? यानी कंपेरेबल टू सी। अभी क्या है कि ये कंपेरेबल है ही नहीं, कहाँ पर है ये पता ही नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट आज तक इन्फिनिटी को किसी ने मेजर किया नहीं, तो ये कहाँ है ये पता नहीं है, इवन सी से भी कंपेरेबल नहीं है क्योंकि सी से कितनी दूरी पे है ये नहीं पता, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब कंपेरेबल है सी से, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिहाइंड सी, ये दूसरा केस लेते हैं, तब इमेज कैसा बनेगा ये देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिहाइंड सी, केस टू, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी, बिहाइंड सी यानी सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको इसी तरह से समझ सकते हैं। तो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और हम मिरर जो है कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर में हमने क्या किया, ये इसको सिल्वराइज कर दिया इधर से, तभी कनकेव मिरर होगा एन, और ऊपर में भी हमने शायद ऐसा नहीं किया था, देख ले, हाँ नहीं किया था, तो इसको भी हम इधर से सिल्वराइज कर देते हैं, तभी ये कनकेव मिरर माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, अदरवाइज तो लाइट इस पार से उस पार चली जाएगी, है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, है ना। ये ले लेते हैं, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस में ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया पोल और ये हो गया सी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो हम लेते हैं, ये कंपेरेबल टू सी है ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, और इस ऑब्जेक्ट से ये ए बी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले हमने अब यहाँ से लाइन लिया जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, एक तो लाइन ऐसे लेंगे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और ये पास करेगा किधर से, इंसिडेंट है तो ये पास
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो किधर से जाएगा, ये जाएगा फोकस से होकर के जाएगा, ये रे अप्लाइड फोकस से होकर के जाएगा, है ना, ये जो है ये फोकस से होकर के जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से ऐसे गया और ये यहां से ऐसे गया और ऐसे फोकस से होकर के वापस चला गया। दूसरा हम रे ऑफ लाइट कहाँ से लेंगे, सी से ले लेंगे, दूसरा हम ले लेते हैं सी से, कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सी से होकर के जाएगा तो ये इसी रास्ते से वापस आ जाएगा, है ना। तो ये जाएगा चूंकि इसी रास्ते से, ये है सी, और इसी रास्ते से वापस आ जाएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी रास्ते से वापस आ गया, मतलब ये दोनों, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और दोनों रे जहां पर मिलती हैं वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्मेशन, ये दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिल रही हैं इसलिए यहाँ पे ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, तो इसको ए डैश बी डैश कहेंगे। ये ए बी है और ये बन रहा है ए डैश बी डैश, ये वाली जो रेज होंगी यहां से अगर कोई रेज जाए तो वो भी इसी से आएगा। तो ये बेस जो है, उसका बेस जो अगर ऑब्जेक्ट मान लो ये कैंडल है तो कैंडल का बेस यहीं पे दिखेगा, और जो वर्टेक्स है यहां से आने वाली रेज जो है वो यहाँ पे दिखेंगी। तो ऑब्जेक्ट कैंडल आपने ऐसे रखा है तो ये ऐसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड। अच्छा क्या क्या अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स है इमेज की बताएंगे आप, कैसा बन रहा है, ये रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, तो रियल बन रहा है ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे वापस वास्तव में रियलिटी में एक दूसरे से मिल रही है, तो ये रियल बन रहा है। दूसरा कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना, उल्टा इन्वर्टेड। और तीसरा इन्वर्टेड, तो मैं ढंग से लिखूं, इन्वर्टेड। तीसरा कैसे बन रहा है, तो स्मॉल बन रहा है, अब थोड़ा कंपेरेबल है, स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल भी लिख सकते हैं, बट है कंपेरेबल, एकदम डिमिनिश का मतलब होता है बहुत बहुत छोटा, कंपेरेटिवली इनफिनिटेसिमली स्मॉल को हम डिमिनिश कहते हैं, ये स्मॉल है। और कहाँ बन रहा है भाई, तो ये सी और एफ के बीच में बन रहा है, तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ये बन रहा है। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई कि इमेज जब सी के बिहाइंड हो तो उसके पीछे, ऑब्जेक्ट जब सी के बिहाइंड हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिहाइंड सी तो इमेज बन रहा है सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। यानी एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे, और ऑब्जेक्ट जब करीब आ गया और तो इमेज क्या है, मिरर से थोड़ा दूर बन रहा है, मिरर ये है, पहले मिरर से करीब था अब मिरर से थोड़ा दूर बन रहा है। तो जैसे जैसे आगे भी देखेंगे केस थ्री करके देखते हैं, उसके बाद आपसे इस पे बात करते हैं। केस थ्री क्या होना चाहिए, अब सी के पीछे कहीं भी रखा हमने बिहाइंड सी, अब सी पे एक चार्ट रखे तो क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इज प्लेस्ड एट सी, एग्जैक्टली तो सी पर ही रखा जाए एट सी तब क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए सी पे अगर रखा जाए तब क्या होगा और इमेज कैसा बनेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसके लिए भी हम एक डायग्राम बनाएं, चलिए यही देख लीजिए, और ये हमारा ये मिरर है, मान लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और इसमें ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, यहाँ पे सी होगा, चलिए वो सही बना देता हूँ, कोई बात नहीं, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, वो सही बना देता, ये मिरर हो गया, इसको हमने सिल्वराइज कर दिया, ये पोल है ना, और यहाँ पे कहीं सी होगा, तो सी मान लेते हैं कि यहाँ पे,
है। अब सी यहाँ पे है और हम लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसा लिया? ऑब्जेक्ट लिया ये थोड़ा बड़ा सा ऐसा सी पे, ठीक है, यही सी है, मान लेते हैं यही सी, कोई बात नहीं, ये सी। अब हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे ऑफ लाइट लेते हैं, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लिया हमने वो यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर के जाएगा, है ना, ये फोकस से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरी रे लेंगे वो हम कहाँ से ले? सी से लेके होंगे तो मिरर इधर तो जाएगा, और इधर सी तो है ही नहीं, तो मिरर तो छोटी है, तो हम दूसरा रे लेते हैं पैरेलल टू इंसिडेंट थ्रू फोकस, तो ये फोकस से हम इंसिडेंट कराते हैं दूसरे को, ये है फोकस से इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो ये फोकस इंसिडेंट हुआ, ये है हमारा फोकस, फोकस इंसिडेंट हुआ, तो ये क्या होगा? ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो ये रे जो होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना, ये होगा, थोड़ा सा इसको सुधार दें। इस तरह से ये बनेंगे, और ठीक है, तो यहां पे एक इमेज बनेगा, और ये इमेज बनेगा कैसा? ये यहीं पे इमेज बन जाएगा, ये दोनों यहीं पे मिल रहे हैं, इसलिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बन जाएगा, है ना, ये इमेज उतना ही बड़ा बन जाएगा, ये सी है, सी पर ही ऑब्जेक्ट था और सी पर ही इमेज बन गया, तो ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज बन गया ए बी डैश, तो इसके हम क्या कहेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए बताएं? ये रे ऑफ लाइट जो है इधर से इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, चूंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, इस एम पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस के थ्रू चला गया, दूसरा जो हमने फोकस के थ्रू इंसिडेंट किया वो ऐसे आके एम पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चला गया, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दोनों इस पॉइंट पे मिल रही है, तो यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये कैसा इमेज बन रहा है जी? रियल में मिल रहा है, यस, तो रियल बन रहा है, दूसरा क्या है? इन्वर्टेड बन रहा है, ये सबको दिख रहा है ना, तीसरा क्या है, कहाँ बन रहा है? तो एट सी बन रहा है, चौथा कैसा बन रहा है, साइज कैसी है, कंपेयर क्या कर सकते हैं, सेम साइज बनेगा, सेम पॉइंट पे सेम साइज बनेगा, तो यहाँ पे एक चीज देखा कि जब इंफिनिटी पे था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज बहुत छोटा डिमिनिश्ड बना, जब इंफिनिटी से इमेज ऑब्जेक्ट को हम पीछे ले आए कंपेरेबल टू सी, तो इमेज उसे बड़ा बना, पे एग्जैक्टली लाए तो इमेज ऑब्जेक्ट के, यानी जैसे जैसे हम, और दूरी भी बढ़ती गई, पहले बना था इमेज कहाँ बना था? सी और एफ के बीच में बना था, अब इमेज कहाँ बन रहा है? सबसे पहले बना था फोकस पे, उसके बाद बना सी और एफ के बीच में, अब बन रहा है सी पे, यानी इमेज की दूरी जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को करीब लाते जाते हैं, नियर बाई लाते जाते हैं, वैसे वैसे इमेज जो है मिरर से दूर बनता जाता है, और इस पॉइंट पे आकर के जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ बन रहा है? सी पर ही बन रहा है, और कैसा बन रहा है? सेम साइज बन रहा है। अब चौथा केस लेते हैं, चौथा केस क्या है ध्यान से देखिए, चौथा केस ये है, ऑब्जेक्ट आप सी से और करीब लाओ, सी और एफ के बीच में, केस फोर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ?
सी एंड एफ, तब क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ देन व्हाट विल हैपन? तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मिरर बनाते हैं फिर इसी तरह से, तो ये हो गया मिरर और हमने इसको कट कर दिया, मिरर कट कर दिया, और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मान लेते हैं यही प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको थोड़ा नीचे कर दो, ये मान लेते हैं कि हालांकि एग्जैक्टली बीच में नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, मान लीजिए कि बीच में, ठीक है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमें अभी ग्राफ बनाना है, तो हम देख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का पोल है और सी यहाँ पे है कहीं, ठीक है, सी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में होने के लिए ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे बना दिया ऐसे, ठीक है, ये सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट से क्या करोगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एरिया ऑफ लाइट लोगे, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल जो एरिया ऑफ लाइट लेंगे वो क्या होगा, ऐसे जाएगा, यहाँ इंसिडेंट होगा, है ना, तो ये इंसिडेंट होगा यहाँ पे, और रिफ्लेक्ट कैसा होगा, यहाँ से ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमने किया इस ऑब्जेक्ट को, और ये जो है रिफ्लेक्ट होगा, कहाँ से आएगा, ये कहाँ से पास करेगा, ये पास करेगा थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कैरेक्टरिस्टिक ही है कि कहां से पास करेगा, ये पास करेगा थ्रू फोकस, ठीक है, तो ये फोकस से पास करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये फोकस से पास करेगा, है ना, ये फोकस से पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया और ये फोकस से पास करेगा, तो ये फोकस से पास करेगा ऐसे, ये चला गया ये और ये ऐसे। अब दूसरा जो है वो कहां से लेते हैं, वो लेते हैं हम कहां से लेते हैं, दूसरा सी से लेते हैं, तो सी से अगर कोई रे ऑफ लाइट लोगे तो क्या होगा, ये सी से होकर के कोई हम रे ऑफ लाइट लेते हैं जो सी से होकर के इंसिडेंट करे तो क्या होगा, तो सी से होकर के अगर इंसिडेंट करता है कोई मिरर पे, ये मिरर है हमारा, ये है मिरर, ये सिल्वराइट है ना, तो अब यहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट लेंगे तो ये तो इसी दिशा में रिफ्लेक्ट होकर के आता है, तो ये लाइट जो है वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, है ना, तो ये जो होगा वो जिस डायरेक्शन में गया है, जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, और ये जो है फाइनली ये कहीं इधर आके मिलेगा, ठीक है, ये कहीं इधर आके मिलेगा, ठीक है, तो ये कहीं इधर आके मिलेंगे दोनों, और ये इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, तो
ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मिल गए। तो यहाँ पे मिल गए तो इनका इमेज कैसा बना? इनका इमेज बन गया यहाँ से ऐसा, है ना। और ये इमेज कैसा है? तो ये इमेज कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, उससे बड़ा है ना। ये इमेज बन गया। और ये ए बी अगर ऑब्जेक्ट था हमारा, ये ए बी ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज बन गया है ए डैश बी डैश। कैसा बन रहा है इमेज? यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे गया, ये ऐसे आया, रिफ्लेक्ट होकर के इधर आकर के, ये जो इधर से गया है वो रिफ्लेक्ट होकर किसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि सी से होकर के जो भी लाइट जाता है वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के आता है। इसलिए बनेगा कैसा? रियल, दूसरा इन्वर्टेड, ये तो है ही है, समझ में तो आ ही रहा है। और तीसरा क्या बन रहा है? बिहाइंड सी, बिहाइंड सी जगह ऐसी है। और चौथा कैसा? बड़ा को कहते हैं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बड़ा को, इमेज अगर बड़ा बन रहा है तो उसको कहते हैं मैग्नीफाइड। अब हमने एक केस को लिया था कहाँ? इंफिनिटी पे, दूसरा सी के पीछे, तीसरा सी पे, चौथा अब सी और एफ के बीच में, पांचवा लेते हैं एफ पर। तो एफ पर अगर कोई हम हाँ ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसका इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। कैसे? ध्यान से समझिए, ये डायग्राम इसमें थोड़ा बनाने में परेशानी हो रही है मुझे, लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आप अच्छा से समझे, वक्त की कोई टेंशन नहीं। पांचवा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, तब क्या होगा? चलो ऐसे ही बनाया जाए, ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बनाने में, थोड़ा सा डायग्राम को बनाया तो अच्छा लगेगा। देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा बन रहा है, ये मिरर है हमारा, और मिरर में हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ बनाया जी? ऑब्जेक्ट को हमने बनाया, ये ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया एफ पे, ये है पी और ये है एफ, ठीक है, और ये है सी। तो ऑब्जेक्ट को अगर एफ पे हमने रखा तो क्या होगा? यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रे लेंगे तो ये कहाँ से होकर के जाएगा? ये होकर के जाएगा फोकस से। और सी से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, इमेज लेंगे, तो ये इधर से जाएगा और इधर से ही वापस होकर के आ जाएगा। तो ये जो है इधर की तरफ क्या हुआ है? कलर्ड है, कलवर सिल्वर आइट है, ठीक है ना। और ये इधर की ओर फिर रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, और आएगा तो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट लेते हैं तो ये फोकस से होकर के जाएगा, ये फोकस से होकर के आएगा, और जो सी से लेंगे वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। तो इधर तो ये कहीं मिलते नहीं है, इधर ये मिलेंगे नहीं, बट ये पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलती है बच्चों? इन्फिनिटी पे। तो ये हम मानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज बनेगा कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। तो बनेगा पहला चीज कैसा बनेगा? मिलेंगे तो वास्तव में मिलेंगे, तो रियल इसको कह सकते हैं। और ये क्या होगा? इन्फिनिटी, क्योंकि रियल लाइंस जो है इधर जा रही हैं, तो मिलेंगी तो रियल में ही मिलेंगी, तो इसलिए रियल कहेंगे। कहाँ बन रहा है? तो एट इन्फिनिटी। कैसा बनेगा? ये बहुत बड़ा बनेगा, तो इनलार्ज कह सकते हैं, इनलार्ज, ठीक है ना, बहुत बड़ा को हम कहेंगे इनलार्ज, ठीक है। और इनलार्ज कह दिया, और फिर क्या हो रहा है? कहाँ पे रियल हो गया? इन्वर्टेड हो गया, एक इन्वर्टेड बनेगा, तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ये करेक्टरिस्टिक हो गई कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। अब एक और केस होता है छठा, कि अब एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखें तो क्या होगा? तो सिक्स केस है, केस सिक्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन बिटवीन सी एंड, सॉरी, एफ एंड पी, तब क्या होगा? तो ऐसा करने से इमेज जो बनेगा वो बनेगा
ये है। अब एक हम लाइन ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस एक ले लिया हमने, और ये प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट कैसा, तो ये छोटा सा, ठीक है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया। और ये ऑब्जेक्ट जो है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर जाएगा कोई रे ऑफ लाइट तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट से, तो ये फोकस से होकर के वापस जाएगा, है ना। तो ये जो है वापस इधर से जाएगा फोकस से होकर, अगर फोकस यहाँ है तो फोकस से होकर के जाएगा, ये देखिए ये है फोकस, तो ये फोकस से होकर के जाएगा। ये इमेज यहाँ से लिया हमने, तो ये इंसिडेंट होने के बाद फोकस से होकर के जाएगा, ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये फोकस से होकर के जाएगा। फोकस यहाँ है तो सी यहाँ होगा, ठीक है। दूसरा, अगर सी से होकर के जाने वाली लाइट ले तो क्या होगा, तो सी से होकर के अगर कोई रे इंसिडेंट होगी इस ऑब्जेक्ट से और सी से होकर के, तो ये सी से होकर के जाने वाली ऑब्जेक्ट इधर से इंसिडेंट होगी, है ना। अच्छा, इंसिडेंट हो गई, अब इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर के ये इसी डायरेक्शन में वापस जाएगा, इसी डायरेक्शन में वापस जाएगा तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में वापस जाएगा तो ये रे कुछ इस तरह से फिर से आगे बढ़ जाएगा और बढ़ के इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होगा कि इनके बीच का ये देखिए ये जगह जो है वो बढ़ता जाएगा, ये स्पेस बढ़ता जाएगा, तो इधर ये कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको अगर एक्सटेंड कर दें इधर तो ये रे ऑफ लाइट जो है इधर की वो कहीं मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे तो ये मिरर के पीछे इसका एक वर्चुअल इमेज बनेगा, मिरर के पीछे एक वर्चुअल इमेज बनेगा और उसको हम कहेंगे ए डैश बी डैश। ये है ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, और इमेज कैसा बन रहा है, ए डैश बी डैश। रियल में नहीं मिल रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रियल में नहीं मिल रहा है, वर्चुअली सिम्स टू मी, इसलिए इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज कहाँ बन रहा है, तो बिहाइंड, कहाँ बन रहा है जी, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो बड़ा बन रहा है, तो हम इसको कहेंगे मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। और कैसा बन रहा है जी, सीधा बन रहा है, इरेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट था ए यहाँ है, ये भी ए डैश भी यहाँ है, तो ये जैसा ऑब्जेक्ट ऐसे कैंडल था ऐसे ही इमेज भी बन गया, तो इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि कनकेव मिरर में जितना भी इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें मैक्सिमम यानी ऑल फाइव में इमेज जो बन रहा है वो रियल बन रहा है, और जब फोकस और पोल के बीच में है तब बन रहा है कैसा इमेज, तब बन रहा है वर्चुअल इमेज। तो इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कनकेव मिरर को सेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज एज सेविंग मिरर। व्हाई, सेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है, सेविंग मिरर, इसको सेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्यों सेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारे बाल जो है ये छोटे छोटे हैं, हम मिरर को इस तरह से लाते हैं कि हमारा जो चेहरा है, जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा थोड़ा, ये उसके मिरर के फोकल लेंथ के बीच में आ जाए, तो फोकल लेंथ के अंदर अगर आ जाएगा तो यानी ये हमारा चेहरा हो गया, ये हमारा चेहरा हो गया, और इसका ये इतना बड़ा इमेज बनेगा, तो जो छोटे छोटे बाल है जो छूट जाते हैं जो दिखेंगे वो दिख जाएंगे उस मिरर में, आदमी उसको आराम से सेव कर लेगा, इसलिए सेविंग मिरर के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर में, 6 केसेस थे। और अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में चूंकि फोकस जो होता है वो वर्चुअल होता है, इसलिए इसमें अलग अलग केसेस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो फोकस पे जाके
मिलेगा, डाइवर्ज होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। और अगर फोकस पे होगा तो कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे। ये दो तो सेम। तीसरा एक और, बाकी सारे केसेस के लिए हम ये मान सकते हैं कि ये देखिए, ये हमने मान लिया कि ये है कन्वेक्स मिरर, और इसमें हमने इधर की ओर इसको क्या कर दिया? सिल्वराइज कर दिया, है ना, कलर कर दिया। अब इसमें हमें बनाना है इमेज फॉर्मेशन किसी और केस के लिए, एक जनरल केस के लिए हम ले रहे हैं, है ना, एक जनरल केस ले रहे हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। तो इसका आपको पता है कि इसका सी किधर होगा? बताओ, पी यहाँ है, सी इसका इधर होगा कहीं। अब कोई रे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लीजिए कहीं पर भी है, हम एक जनरलाइज केस लेते हैं, कहाँ पे है ये, यहाँ पे मान लेते हैं, इधर ही है कहीं पे भी, क्योंकि सी और एफ तो सब इधर है तो कंपेरेबल तो है नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से इमेज फॉर्मेशन के लिए रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इधर है, तो इधर से अगर कोई रे इधर जाए तो ये क्या होगा? इधर तो जा नहीं सकता, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये क्या लगेगा? फिर लगेगा कि ये फोकस से होकर के जा रहा है ना, तो इट सीम्स टू अपीयर थ्रू फोकस, है ना। तो सीम्स टू अपीयर थ्रू फोकस, तो ये कुछ इस तरह का होगा, अरेज जाएगा और ये लगेगा इधर में ये फोकस से होकर के जा रहा है, ठीक है। ये है कि लगेगा कि फोकस से होकर के जा रहा है, फोकस इसका यहाँ, फोकस यहाँ, ठीक है। तो ये कोई भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो फोकस से होकर के लगेगा कि जा रहा है, जा तो इसे नहीं रहा है, जा तो इधर रहा है वापस, लेकिन लगेगा कि फोकस से होकर जा रहा है। और दूसरा जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे, कोई रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वापस में उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये अगर सी यहाँ पे है कहीं, मान लीजिए, ठीक है, तो ये सी है इनका, सी यहाँ पे है, तो यहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है तो ये तो इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये भी क्या हो रहा है, ये भी लग रहा है कि इधर से सी से होकर के जा रहा है, जा तो रहा नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो है, ये यहाँ पे दोनों लग रहा है कि मिल रहे हैं, ये दो रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर है, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर है, और दोनों लग रहा है कि यहाँ पे मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं जी? तो ये सी और एफ के, पी और एफ के बीच में यहाँ पे ये लग रहा है कि मिल रहे हैं, तो इसलिए इमेज जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इमेज जो होगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ठीक है, ये बन रहा है। तो इमेज अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, है ना, तो इमेज बन रहा है ये ए डैश बी डैश। कैसा इमेज बन रहा है जी? तो इमेज बन रहा है बहुत छोटा। कैसा बन रहा है? तो वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, और कैसा है? स्मॉल है, और कैसा है? इरेक्ट है, और कहाँ बन रहा है? तो बन रहा है बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, यानी हर हालत में ऐसा ही एक इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, इसमें उल्टा इमेज नहीं बनेगा। और ये इस स्थिति में जो इमेज बनेगा वो हमेशा स्मॉल होगा, ऑब्जेक्ट के मुकाबले हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा। तो विद द ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसको साइड मिरर के रूप में, व्हीकल में इट इज यूज्ड एज साइड मिरर इन व्हीकल, व्हीकल्स।
ऐसा करने से क्या होगा कि साइड मिरर व्हीकल के रूप में कनकेव को ही क्यों, कन्वेक्स को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, कनकेव को क्यों नहीं इस्तेमाल करते। कनकेव की करेक्टरिस्टिक्स ये है, अब जरा इसको समझ लीजिए। ये तो फिगर तो समझ गए, तो आप ये समझ कि कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी ये है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो इमेज बहुत छोटा बनेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जाएगा वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए कि हमने कनकेव मिरर का साइड मिरर लगा दिया, ठीक है, तो जब कोई ट्रक होगा, मान लीजिए आप कार में बैठे हैं, आपको तो जो साइड मिरर है उसमें ट्रक जब बहुत दूर होगा तो एक तो छोटा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, और दूसरा चीज की इन्वर्टेड इमेज बनता है तो उल्टा दिखाई देगा, ट्रक ऐसे है दिखाई ऐसे देगा, उल्टा दिखाई देगा। दूसरा, जैसे जैसे ट्रक आपके करीब आएगा इमेज बड़ा होता जाएगा, और जब बहुत करीब आ जाएगा, जब सीधा इमेज बनने की बारी होगी यानी आपके फोकस और इसके बीच में आएगा, तब इमेज बहुत बड़ा बन जाएगा, और इतना बड़ा बन जाएगा कि ट्रक का हो सकता है कि एक नट बोल्ट आपके साइड मिरर में दिखे, पूरा ट्रक तो दिखने से रहा, इतना बड़ा इमेज बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट हो जाएगा। अब कन्वेक्स मिरर होने से क्या फायदा होता है कि ट्रक चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो, हर हालत में इमेज जो बनेगा वो सीधा बनेगा। पहली चीज, कहीं पर भी होगा इमेज क्या बनेगा, सीधा, ट्रक जैसा है वैसा ही दिखेगा। और दूसरा, उसकी साइज हमेशा छोटी होगी, तो इस छोटे से साइज मिरर में इतना बड़ा ट्रक आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, या कार दिख जाएगा या कोई और व्हीकल दिख जाएगा, कोई बस दिख जाएगी। तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी इमेज जो होगा वो कंपैरेटिवली छोटा होगा बहुत, और सीधा होगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप दूर होगा तब भी, नजदीक होगा तब भी आप उस ट्रक को देख पाएंगे अपने साइड मिरर में। इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज साइड मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जो इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा आप ये समझ सकते हैं या अपने मेमोरी में रख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट या फोकस पे होगा तो उसका इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, अगर इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। ये दो बातें और एडिशनल आप दिमाग में रख सकते हैं। कनकेव मिरर के और क्या क्या यूज हो सकते हैं, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। कनकेव मिरर की यूज हो सकती है, एक तो हमने बताया यूज ऑफ कनकेव मिरर, यूज ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। एक बताया कि क्या सेविंग मिरर के रूप में ना, सेविंग मिरर। दूसरा, हेडलाइट, हेडलाइट ऑफ व्हीकल, व्हीकल। तीसरा, सर्च लाइट के रूप में, सर्च लाइट के रूप में, या टॉर्च, अगर कोई देखा हो टॉर्च के अंदर जो होता है कटोरी टाइप का, वो कनकेव सरफेस का होता है, तो उसमें भी यूज होता है। तो कनकेव मिरर और सिल्वर का पॉलिश किया हुआ एक अंदर होता है पॉट टाइप का, उसको होता है, तो टॉर्च में भी यूज होता है टॉर्च, ठीक है। चौथा, डेंटिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं। क्यों, डेंटिस्ट को क्या जरूरत है, डेंटिस्ट जो यूज करते हैं वो इसलिए कि अगर आपके माउथ में कोई कैविटी है, कोई चीज है, तो छोटी सी कैविटी भी उसमें बड़ा इमेज बन के आएगा तो देख लेंगे, और कोई भी कीड़े वगैरह अगर दांत में पड़ गए हैं तो वो भी हमको पता चल जाता है। तो डेंटिस्ट जो है उससे आपके दांत को देखता है, जिससे उसको बड़ा इमेज दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं इसको, कनकेव मिरर, ठीक है ना, बड़े से इमेज उनको दिखाई देता है, तो ये डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं। अब कन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज है, और कन्वेक्स मिरर के और क्या क्या यूज है भाई। एक तो हमने बताया कि साइड मिरर के रूप में यूज होता है, और क्या हो सकता है बताइए, सोच के जरा आप। साइड मिरर के अलावा रियर व्यू देखने के लिए, जब आप कार में बैठे होंगे तो बीच में यहाँ पर ड्राइवर के सीट के ऊपर होता है, तो रियर व्यू देखने के लिए भी कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए करते हैं कि इसका एक वाइड रेंज ऑफ व्यू होता है, ये डाइवर्ज होता है, डाइवर्ज होने की वजह से बहुत ज्यादा एरिया को कवर करता है, तो इट इज यूज एज साइड मिरर एंड रियर व्यू मिरर, दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए वाई, बिकॉज इट हैज वाइड रेंज ऑफ एरिया इन कवरेज एंड द इमेज फॉर्म्ड
behind of the object behind the vehicle are small. So a number of vehicles and huge traffic can be observed in the same mirror. So it is used as rear view mirror. तो ये कुछ बातें थी जो कि आपने आज सीख लिया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहाँ पे फॉर्म होते हैं और किस तरह के इमेज होते हैं, ठीक है ना? रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, मैग्निफाइड, है ना, इनलार्ज, स्मॉल, डिमिनिश्ड, ये सब चीजें आप जो है वन बाई वन करके सबको समझ लीजिए। घर पे इसकी एक एक दो दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा से ये हो जाएगा, तब हम इस पे बात करेंगे। अब एक जो है वो साइन कन्वेंशन होता है, आज नॉलेज दे देता हूँ, अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही है उस डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड, देखिए डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरा, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, टू द इंसिडेंट लाइट लाइट इज टेकन एज निगेटिव, निगेटिव, ठीक है, इज टेकन एज निगेटिव। तो दो बातें होनी है, एक डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, और डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज निगेटिव, ठीक है। तो ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब इस आधार पे हम डिस्टेंस को अलग अलग, जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से क्या होनी चाहिए, इमेज की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, ये सारी बातें थोड़ी सी शॉर्ट में और बता देता हूँ जिसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, है ना? तो इस चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है, क्या क्या होगा। अब कनकेव मिरर की अगर बात करें तो कनकेव मिरर में दो तरह की इमेज बनेंगे, एक रियल और एक वर्चुअल। तो रियल इमेज जब बनेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? अगर रियल इमेज बन रहा है तो ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्ट होता है मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में, रिफ्लेक्टिंग साइड में ही होता है। ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और पोल यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट से जो पोल से डिस्टेंस मेजर जाएगा ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगी। लाइट तो इधर से आ रहा है ना, तो लाइट अगर इधर से आ रहा है तो लाइट इधर से जा रहा है तो डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल ओनली, राइट ना? तो लाइट अगर इधर से जा रहा है से, अगर ऑब्जेक्ट की हम बात करें इधर की ओर, अगर हम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर की ओर है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, इसलिए यू होता है कन्वेक्स मिरर में, यू क्या होता है? निगेटिव। इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज ये कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर में यू क्या होता है? निगेटिव। वी जो है वो लाइट के डायरेक्शन में, पोल से आप इधर की ओर मेजर करोगे तो जाओगे आप इधर की ओर, ठीक है ना? पोल से इधर की ओर, पोल से तो डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन यह है, पोल से इधर जा रहे हैं तो वी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। और फोकस यहाँ है, फोकस भी पोल से डायरेक्शन ऑफ लाइट में ही है तो फोकस भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो यू निगेटिव होता है, वी पॉजिटिव होता है और एफ पॉजिटिव होता है। इसी तरह का अगर हम कनकेव मिरर की, यहाँ जब इमेज फाइनली पॉजिटिव बन रहा है, जब वर्चुअल इमेज बन रहा है, तब
तब ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से डायरेक्शन अपोजिट टू द लाइट है, तो यू क्या होगा? निगेटिव होगा। इमेज बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है? तो इमेज इधर बन रहा है जो डायरेक्शन ऑफ लाइट में है, तो वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ इसका यहाँ होता है, तो ये डायरेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगा? एफ जो होगा वो निगेटिव होगा। तो ये बात तब जब वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म तब। अगर रियल इमेज बनेगा तब क्या होगा? तो ये भी एक नजर देख लेते हैं। तो रियल इमेज बन रहा है, तो यहां से ये देखिए, ये पोल है, पोल से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यू क्या होगा? ये डायरेक्शन अपोजिट टू द लाइट है, इसलिए यू क्या होगा? निगेटिव। वी क्या होगा? वी भी इधर ही है, पोल से इधर ही है, अपोजिट टू डायरेक्शन होगी, निगेटिव होगा। और एफ भी क्या होगा? निगेटिव। तो व्हेन रियल इमेज फॉर्म, तो रियल इमेज जब फॉर्म्ड हो तो तीनों निगेटिव होंगे, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगा तो भी पॉजिटिव होगा, और कन्वेक्स मिरर में समरी यहां लिख देता हूं। यहां लिख देता हूं समरी इमेज कन्वेक्शन के लिए। इन कनकेव मिरर, याद रख ले, देखो कनकेव मिरर, व्हेन रियल इमेज फॉर्म, व्हेन रियल इमेज फॉर्म, याद रखना इस बात को। यू क्या होगा? निगेटिव। वी क्या होगा? निगेटिव। एफ क्या होगा? निगेटिव। दूसरा, व्हेन वर्चुअल इमेज फॉर्म, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, इज फॉर्म, ठीक है। तो यू क्या होगा? निगेटिव। वी क्या होगा? पॉजिटिव। और एफ क्या होगा? निगेटिव। इन कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? इन कन्वेक्स मिरर यू क्या होगा? निगेटिव। वी क्या होगा? पॉजिटिव। एफ क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये सारी बातें हमने डिटेल में बता दी है, आप इसको नोट कर लें, और नोट करने के पश्चात आप इसको दिमाग में रखें। हमने क्या बात बताई है? पैरामीटर क्या है? ये बात आप समझ गए हैं कि डायरेक्शन, लाइट के डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर किया जाए तो उसको पॉजिटिव लेंगे, लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जाए तो उसे हम लेंगे निगेटिव। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से हम निगेटिव और पॉजिटिव डिसाइड करेंगे। तो यू तो हर हालत में निगेटिव ही होता है, आप देख रहे हैं कि यू सब में निगेटिव है, चाहे कुछ भी हो जाए यू निगेटिव ही है, यू हर हालत में क्या है? निगेटिव। यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, इसके पहले वाले में भी निगेटिव है, ठीक है। और फोकल लेंथ जो होता है वो कनकेव लेंस का, कनकेव मिरर का, सॉरी कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा ही निगेटिव होता है, ठीक है। तो खाली बात क्या है? निगेटिव होता है, फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, कन्वेक्स मिरर का हमेशा पॉजिटिव होता है। वी की एक बात है, वी तब जब निगेटिव होगा जब रियल इमेज बनेगा, और पॉजिटिव होगा जब वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है। और कन्वेक्स का जहां तक सवाल है, कन्वेक्स मिरर का जहां तक सवाल है, उसमें यू तो निगेटिव होगा ही होगा, वी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये सबको पता है कि वी हमेशा पॉजिटिव होता है ना, और एफ भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये यू भी एफ सब की वैल्यू आपको इसी तरीके से लेना है। अगली क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम मिरर फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू भी प्रूफ करके दिखाएंगे, और ये सारी चीजें अगली क्लास में होगी। तब तक आप इस सबको अच्छे से रिवाइज कर लें, घर पे मन लगा के पढ़ें, और कोई दिक्कत हो तो अगली क्लास में जरूर लेके आए, डाउट बताएंगे। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। क्यों? ठीक है, मन लगा के पढ़ो, अच्छा से कर लो, इसको रिवाइज कर लो, नोट आपने कर ही लिया होगा, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, ठीक है।